नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्रिप्टो चैनल में। आज मैं आप लोगों को 4 से 5 ऐसी फिर से एक खतरनाक लूट बताने वाला हूँ, जहाँ से आप लोगों का मान लो करीब यहाँ पे $200 से लेके करीब $500+ का प्रॉफिट होना फिक्स है। $1000+ का भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी हैं कुछ, तो कोई भी भूल के भी मिस मत करना। $200 से लेके $500 का प्रॉफिट तो फिक्स है, इसलिए आज की वीडियो को कोई भी मिस मत करना। उससे पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई न्यू यूज़र हो तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे क्रिप्टो की फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ को देख लो। प्लस अगर अभी तक जिसने हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पर फॉलो कर लेना, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, लोगों तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि कोई भी शॉर्ट टाइम लूट होती है, कोई भी लूट वीडियो का अपडेट होता है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे NFT का अपडेट दिया है, ये NFT की आज रात में मिंट है, तो मैंने बोल दिया है जब तक मैं अपडेट ना दूँ किसी भी NFT का तब तक आप लोग मिंट मत करना। बाइनेंस की 5th एनिवर्सरी यहाँ पे आने वाली है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया, रेडी रहना ठीक है। और भी यहाँ पे मैं और भी अच्छी खासी लूट यहाँ पे डालता रहता हूँ। देखो जैसे मैंने ये वाली लूट डाली थी, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का देखो ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा ठीक है। लिंक पे क्लिक करना, इस तरह का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके मेटामास्क से कनेक्ट कर लेना, फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पे ट्विटर का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करके ट्विटर से कनेक्ट कर लेना। जैसे मेटामास्क और ट्विटर से कनेक्ट कर लोगे, फिर आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो इस तरह का आप लोगों का पेज खुल जाएगा। अब आप लोगों को इन्हें ट्विटर पर फॉलो करना है, रीट्वीट करना है, लाइक करना है। जैसे सारे टास्क कंप्लीट कर लोगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, बस यहाँ पे सबमिट कर देना। एयरड्रॉप के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, किसी को नहीं पता, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं, बस ऐसे मान लो बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप लोग सब लोग कर लेना। ये देखो ये मैंने NFT का यहाँ पर बताया था, ये शायद अच्छी खासी लूट हो सकती है, इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया था। तो देखो जैसे मैंने ये वाली NFT आप लोगों को मिंट करवाई थी, कोई भी मिंट नहीं कर, मैंने आप लोगों को मिंट करवाई थी, उसका फ्लोर प्राइस देखो 1.25 पे यहाँ पे मिंट हुई थी, और 3.5 SOL इसका मतलब सेल हो गई थी इंस्टेंट। तो इसीलिए कहता हूँ जितनी भी NFT होती है, कोई भी शॉर्ट टाइम लूट होता है, सबका अपडेट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी मस्ट ज्वाइन करके रखो। अब हम चलते हैं आज की फर्स्ट लूट की तरफ। तो भाइयों देखो, जो फर्स्ट वाली लूट यहाँ पे होने वाली है, आप लोगों को $10 का प्रॉफिट होगा TRX का, वो भी मतलब $10 का प्रॉफिट होगा, वो भी स्पोर्ट में। तो कोई भी भूल के मिस मत करना, आप लोगों को एकदम खतरनाक लूट है, किसी को पता ही नहीं है समझ लो, तो आप लोगों को सबसे पहले दे रहा हूँ, तो कोई भी भूल के मिस मत करना। $10 का फ्लैट प्रॉफिट आप लोगों को होने वाला है यहाँ पे, सब लोगों को $10 का यहाँ पे TRX मिलेगा। तो कैसे क्या मिलेगा सब आप लोगों को वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो लिंक दूंगा उस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है, जो मैं लिंक दूंगा उसी लिंक से आप लोगों को अकाउंट बनाना है। बाद में आप लोग मेरे से फिर ये मत कहना कि आप लोग आपने बनवाया था अकाउंट, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो जैसा जैसा मैं स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को, उसी स्टेप से उसी चीज़ से ज्वाइन करना है, तभी आप लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक को करना है ओपन। अब उस लिंक को जैसे आप लोग ओपन करोगे तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। देखो फर्स्ट में तो हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ो। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैंपियन में यहाँ पे फर्स्ट कम मतलब फर्स्ट ट्रेडिंग रिवॉर्ड है ये $50। अगर हम यहाँ पे डिपॉजिट करके 200 का ट्रेडिंग बनाएंगे तो हमें $10 का TRX का यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलने वाला है। तो सब लोग यहाँ पे ज्वाइन करना, सबका प्रॉफिट होगा, तगड़ा प्रॉफिट होगा, कोई भूल के यहाँ पे मिस मत करना। तो देखो इनके जब मैंने इनके ऑफिशियल उस पर जाके मैंने बात की थी इनके एडमिन से, तो उनसे मैंने पूछा था, तो इन्होंने मेरे से कहा था कि आप क्या नाम है, एक डिवाइस से 2 अकाउंट बना सकते हैं, अगर 2 अकाउंट से आप लोग ज़्यादा बनाएं, अगर आप लोगों की IP ट्रैक हो गई तो आप लोगों का अकाउंट सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई वो नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को मैंने इनसे ये भी पूछा था, तो इन लोगों ने कहा था बिना KYC के रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मान लो आप लोग KYC नहीं करते हो तो भी आप लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाएगा, बस आप लोगों को डिपॉजिट करके 200 का ट्रेड करना है, और फिर 200 का जैसे मान लो डिपॉजिट किए, 200 का ट्रेड किए, फिर उसमें $50 आप लोगों को छोड़ देना है, बिकॉज जब तक आप लोगों को पेमेंट ना मिले। पेमेंट का मैंने इन लोगों से पूछा था, ये लोग बोले थे इंस्टेंट भी मिल सकता है, 1 दिन बाद भी मिल सकता है, 2 दिन बाद भी मिल सकता है, और मैक्सिमम 7 डेज से लेकर 14 दिन के अंदर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पेमेंट मिल सकता है, वरना कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, तो पेमेंट आप लोगों को इसका कभी भी मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा इंस्टेंट लूट है, कोई मिस मत करना ठीक है। तो आप लोगों को देखो क्या क्या करना है, मैंने सारी यहाँ पे कंडीशन बता दी कि आप लोगों को यहाँ पे KYC करो, मतलब KYC नॉट रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है KYC इज़ नॉट रिक्वायरमेंट ठीक है, मतलब KYC की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप लोगों का एक डिवाइस में 2 से ज़्यादा अकाउंट नहीं होना चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा अकाउंट हुआ तो ब्लॉक कर देंगे। तो एक डिवाइस में आप लोग 2 अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो, मैंने इनसे ये भी पूछ लिया है, आप लोग पूरी कंडीशन यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्लस अगर आप लोग मान लो जैसे आप लोगों ने 2 वॉलेट बनाया, अब 2 ही वॉलेट एड्रेस पे आप लोगों ने एक ही जगह से डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो तो भी ये आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। तो आप लोग क्या करना, अपने जैसे सबके पास तो 5-10 ट्रस्ट वॉलेट होगा,
तो सब ट्रस्ट वॉलेट में अपना अमाउंट मंगा लेना। अब एक ट्रस्ट वॉलेट से एक अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉल करना, दूसरे ट्रस्ट वॉलेट से दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉल करना, सबको यहाँ पे $10 का TRX मिलने वाला है, एकदम ज़बरदस्त लूट होने वाली, कोई मिस मत करना। अब देखो आप लोगों को ज्वाइन कैसे करना है, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखो इस पे क्लिक कर देना है टिक पे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड डाल के, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल के आप लोगों को सिंपल से साइन अप कर लेना है। जैसे आप लोग साइन अप कर लोगे, साइन अप करने के बाद बैक वाली बटन है, बैक वाली बटन को दबा देना है। अब साइन अप होने के बाद आप लोगों को देखो यहाँ पे रजिस्टर फॉर इवेंट का ऑप्शन होगा, ठीक है, रजिस्टर फॉर इवेंट पे क्लिक कर देना है। बस यहाँ पे देखो कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा, मैंने अभी साइन अप नहीं किया है इसलिए मेरे को ये लॉगिन का बोल रहा है। तो आप लोग सब लोग न्यू अकाउंट ही बनाना, तभी आप लोगों का प्रॉफिट होगा। तो जैसे आप लोग साइन अप कर लोगे, साइन अप करने के बाद बस यहाँ पे ये रजिस्टर फॉर इवेंट पे क्लिक करना, यहाँ पे कुछ ओके ओके का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, आप लोग का हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद प्ले स्टोर से आके MXC एक्सचेंज को करना है डाउनलोड। जैसे मान लो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद इसे कर लिया लॉगिन। अब लॉगिन करने के बाद इसे करता हूँ ओपन, ओपन करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, वॉलेट वाले, वॉलेट वाले ऑप्शन पे आने के बाद डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च मारना है क्या आप लोग डिपॉजिट करना चाहते हो। तो जैसे TRX डिपॉजिट करना चाहते हो, TRX पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कहीं से भी यहाँ पे TRX डिपॉजिट कर लेना, सोल डिपॉजिट कर लेना, कुछ भी डिपॉजिट करना है आप लोग को $51 का, ठीक है, क्योंकि $50 की वो है, तो हम यहाँ पे $51 यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। अब आप लोगों को $51 डिपॉजिट करके ट्रेड वाले ऑप्शन पे आना है। अब आप लोग यहाँ पे किसी भी कॉइन में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन TRX में करोगे तो एक और इवेंट चल रहा था मैंने देखा था, तो क्यों TRX भी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, जो ज़्यादा ट्रेड किए रहेंगे फर्स्ट से लेके टॉप 10 को, और प्लस यहाँ पे कुछ 2000 कुछ TRX है जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप लोग यहाँ पे TRX का ट्रेडिंग कर लेना। कैसे करना है देखो, $50 डिपॉजिट किया, इस पर करना, इस पर करना, मतलब पहले सेल कर देना, फिर बाय कर लेना, फिर सेल कर देना, फिर बाय कर लेना, आप लोगों का 4 बार हो जाएगा। 4 बार जैसे कंप्लीट होगा, $200 का यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। फिर आप लोगों को ये तुरंत भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, कब मैक्सिमम 7 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर स्पोर्ट में ये आप लोगों को यहाँ पे TRX दे देने वाले हैं, $10 का TRX, वो जो से आप लोग स्पोर्ट में देंगे, जैसे आप लोग इंस्टेंट यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। तो फर्स्ट लूट में इतना ही था, कोई मिस मत करना। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लूट की तरफ। तो भाई सेकंड लूट बताने से पहले देखो, जैसे मैंने ये टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, तो इसे मैंने देखो इसमें मैंने डिलीट इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं समझा नहीं पाया था, तो इसमें समझाते रहा हूँ। देखो इसमें क्या करना है, अगर आप लोग देखो जितने ज़्यादा यूज़र रहेंगे उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जितने कम यूज़र रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा, मैंने इनसे बात की थी। तो अगर आप लोगों को करना होगा तो कर लेना। आप लोगों को देखो जैसे मैंने $50 होल्ड करने को कहा है, तो $50 का आप लोग यहाँ पे मैटिक ही होल्ड कर लेना ना, तो आप लोग इस एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। 22 तारीख को इसका स्नैपशॉट होगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे KYC की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए KYC की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आप लोग देख लो, अगर आप लोग KYC करना चाहते हो तो KYC कर लेना, KYC करोगे तो आप लोग इस एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। आप लोग को 10 मैटिक होल्ड करना पड़ेगा, तो जब आप लोग $200 का वहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर लोगे, तो मैंने कहा था $50 आप लोगों को रखना है, तो $50 का आप लोग मैटिक ही टोकन यहाँ पर रख लेना, तो आप लोगों का यहाँ से इससे भी यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लूट की तरफ। तो भाई देखो जो सेकंड लूट है, सेकंड लूट में आप लोगों को जिलपे का यहाँ पे टेस्टनेट इवेंट बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो कोई मिस मत करना। तो देखो जैसे फर्स्ट सेकंड लूट की 2 लिंक दूंगा मैं यहाँ पे, एक फॉसेट लिंक, एक दूंगा यहाँ पे टेस्ट लिंक। तो आप लोगों को पहले टेस्ट लिंक को करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद ओपन करना है, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एड टू क्रोम पर क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। अब मेरा जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो अब मैं वापस से उसी पेज को देखो, मेरा एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया। अब आप लोगों को वॉलेट क्रिएट करना है या रीस्टोर करना, तो मेरे को जैसे क्रिएट करना है, क्रिएट पे क्लिक करूँगा। आप लोगों को यहाँ पे 12 वर्ड की जो है फेज की आप लोगों को चाहिए, या मतलब 24 वर्ड की आप लोगों को जितने की चाहिए वो आप लोग ले लेना, मेरे को 12 वर्ड की चाहिए। इस पर क्लिक करके आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे फिर वैसे की वैसे की आप लोगों को यहाँ पे लगा देनी, फर्स्ट पे ये थी, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, इस तरह से आप लोगों को लगा के फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सिंपली से मैं सब कुछ कर लेता हूँ। देखो फिर आप लोग जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे अकाउंट 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आप लोग को अपना पासवर्ड डाल देना, फिर नीचे कन्फर्म पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी सेट कर लेना, तो आप लोग को इसे ऑन करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ये करोगे फिर स्टार्ट यूजिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब ये जो आप लोगों का वॉलेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोगों को तो देखो इतना काम करने के बाद आप लोगों को जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। तो देखो जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आप लोगों का इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे टेस्ट नेट पे सेलेक्ट कर लेना है। टेस्ट नेट पे सेलेक्ट करने के बाद बस आप लोगों को ऐसे कट पे क्लिक कर देना, बस आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
अब ओपन होने के बाद ये जो एड्रेस दिया था इस एड्रेस को करना है कॉपी। तो जो मैंने आप लोगों को फॉसेट की लिंक दी थी उस लिंक को करना है ओपन। यहाँ पे आप लोगों को कर देना अपना एड्रेस पेस्ट, बस यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा को करना है फिल और रन फॉसेट पे क्लिक कर देना। तो जो आप लोग का फॉसेट है वो विद इन 10 मिनट के अंदर आप लोगों के जो वॉलेट में है वो यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे वॉलेट में कितनी देर में आता है। तो देखो जैसे मेरे फॉसेट यहाँ पे क्लेम हो चुका है। अब आप लोग को 3 लाइन पे क्लिक करके वापस से जो मैंने टेस्टनेट लिंक दी थी उस लिंक को करना है ओपन। अब उस लिंक को ओपन करने के बाद एक बार देखो मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक कर देना आप लोग को जो जिलपे का वॉलेट है वो यहाँ पे हो जाएगा कनेक्ट। अब आप लोग को यहाँ पे स्वैप वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। स्वैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जिल से कोई भी टोकन यहाँ पे स्वैप करना है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे जिल से SUP टोकन यहाँ पे स्वैप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ अमाउंट 25%। 25% डालने के बाद बस यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन आ जाएगा, एक्सचेंज पे क्लिक करना, कंफर्म स्वैप पे क्लिक करना। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा एक कंफर्मेशन का ट्रांजेक्शन, उसे करा लेना कंफर्म। अब देखो जैसे मेरा ये हो गया है यहाँ पे सक्सेस, ये मेरे देखो टोकन जो है वो यहाँ पे आ गए होंगे। मैं चेक कर लेता हूँ, तो अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी देखो ऊपर मेरा यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जब तक कन्फर्म नहीं होता है। तो देखो जैसे मेरा यहाँ पे स्वैप कन्फर्म हो चुका है। मैं यहाँ पे पूल्स पे क्लिक करूँगा, पूल पे क्लिक करने के बाद ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो अमाउंट है 75% यहाँ पे डाल दूंगा, बस यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये थोड़ा सा मेरा लोडिंग लेगा, अप्रूव पे क्लिक करूँगा। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद एक और ट्रांजेक्शन आएगी, उसे कराऊंगा यहाँ पे कन्फर्म। कन्फर्म कराने के बाद बस यहाँ पे देखो कन्फर्म ऐड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन आएगी इसमें, फिर उसे कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे अब देखो मेरी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी, पेंडिंग में चली गई है। अगर मान लो ऑटोमेटिक आप लोग का ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो पेज को आप लोग रिफ्रेश करके फिर से करना, आप लोगों का जो काम है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी लिक्विडिटी भी मैंने कर दी है ऐड, लिक्विडिटी मेरी है पेंडिंग में। तो बस भाई सेकंड लूट में आप लोगों को इतना ही यहाँ पे काम करना था, सेकंड लूट में इतना ही था। अब हम चलते हैं आज की अपनी थर्ड लूट की तरफ। तो भाई देखो थर्ड लूट में मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 लिंक देने वाला हूँ, एक दूंगा डिस्कॉर्ड लिंक, एक दूंगा यहाँ पे टेस्ट नेट लिंक। तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्कॉर्ड लिंक पे क्लिक करना है, इसे कर लेना डिस्कॉर्ड में ओपन। एक्सेप्ट इनवाइट के ऑप्शन पे क्लिक करना, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तो देखो मेरा जो ये वाला था ये वाला हो गया है ओपन, इसे कर लेना ओपन। वेरीफाई हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक करके इसे करा लेना यहाँ पे वेरीफाई। तो देखो मेरा एक यहाँ पे कैप्चा है, मैंने कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर दिया, मेरे को कर दिए, मेरा हो गया यहाँ पे वेरीफाई। इस पर क्लिक करूँगा, देखो मेरा वेरीफाई हो चुका है, सब यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब वेरीफाई करने के बाद आप लोग को वापस से उसी पेज पे आ जाना है। अब वेरीफाई करने के बाद जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे कौन सी लिंक दी थी टेस्ट नेट लिंक, इस टेस्ट नेट लिंक को करना है कॉपी और आप लोगों को उस जगह ओपन करना है जहाँ पे आप लोगों का क्या नाम है उसका क्या नाम है कैपलर वॉलेट का जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो, वहाँ पे आप लोगों को इसे सर्च करना है। तो देखो मेरा कैपलर का एक्सटेंशन जो क्या नाम है मैंने पहले तो उसमें था इंडेक्स ब्राउजर में, लेकिन मैंने कीबी में भी कर लिया था, तो मैंने कीबी में ओपन कर लिया। 3 लाइन पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप मोड पे भी ले लेता हूँ, देखो मैंने डेस्कटॉप साइड पे भी ले लिया। अब आप लोगों को यहाँ पे कनेक्ट कैपलर का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना, कन्फर्म पे क्लिक करना। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे आप लोगों को करना है वॉलेट कनेक्ट। तो देखो जब आप लोग जैसे यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना आप लोग को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट पे क्लिक करना, फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आएगा, इसे करा लेना अप्रूव। मेरा इस बार नहीं आया, अगेन से मैं इसे खोलूँगा, इस पे खोलूँगा। अब यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, तो फर्स्ट से आप लोग को कनेक्ट करना है, प्लस यहाँ पे फिर सेकंड वाले कॉस्मोस टेस्ट नेट पे क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है सब वॉलेट को। तो भाइयों अब जो आप लोग को ये वाली थर्ड वाली लूट करनी है तो उसमें आप लोग डिस्कॉर्ड पे तो ज्वाइन कर लेना, लेकिन जो टेस्ट लिंक मैंने आप लोगों को दी है वो टेस्ट लिंक आप लोगों को करना है अपने क्या नाम है येंडेक्स ब्राउज़र में ओपन, क्योंकि किसी भी ब्राउज़र में हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने फर्स्ट वाला कनेक्ट कर लिया, आप सेकंड कॉस्मोस टेस्ट नेट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अप्रूव का ऑप्शन आएगा, करा देना अप्रूव। देखो जैसे मैंने अप्रूव करा दिया, वापस से उसी पेज पे आ गया, मेरा जो सेकंड वाला है सेकंड वाला भी कनेक्ट हो गया। थर्ड वाले पे क्लिक करना है, फिर से अप्रूव का ऑप्शन आएगा, अप्रूव पे क्लिक कर देना। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद देखो अगेन से मैंने अप्रूव पे क्लिक किया, मेरा ये वाला भी हो गया कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद बस आप लोगों को कन्फर्म पे क्लिक कर देना, आप लोगों को जो वॉलेट है वॉलेट हो जाएंगे यहाँ पे कनेक्ट। अब कनेक्ट होने के बाद आप लोगों को देखो आप लोगों को यहाँ पे देखो तीन यहाँ पे करीब 3 एड्रेस है, तो आप लोगों को तीनों का फॉसेट यहाँ पे क्लेम करने के लिए तीनों एड्रेस को इस पे करना है कॉपी। फर्स्ट को हो गया कॉपी, प्लस यहाँ पे सेकंड हो गया कॉपी, प्लस यहाँ पे थर्ड हो गया कॉपी। कॉपी होने के बाद डिस्कॉर्ड कर लेना है ओपन। तो देखो जैसे आप लोग डिस्कॉर्ड ओपन कर लोगे, डिस्कॉर्ड ओपन करने के बाद एकदम स्क्रॉल डाउन करना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब आप लोगों को देखो जो मैंने एड्रेस कॉपी करवाया था उसके आगे आप लोगों को ये मतलब ये देखे फॉसेट सेंड का ऑप्शन यहाँ पे मतलब फॉसेट सेंड लिख के फिर नीचे एड्रेस आप लोगों को कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद करना है सेंड, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे तीनों करना है।
तो या तो तीनों है, आप लोग एक साथ भी यहाँ पे भेज सकते हो। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला भेज दिया, प्लस यहाँ पे सेकंड वाला भेज दूंगा, थर्ड वाला भेज के तीनों फॉसेट यहाँ पे मैं देखो जैसे मैंने सेकंड वाला भी यहाँ पे बना लिया था, अब सेकंड वाले पे 1 मिनट बाद यहाँ पे सेंड कर सकते हो। सेकंड वाला भी भेज के क्लेम कर लूँगा, थर्ड वाला भी भेज के क्लेम कर लूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे फॉसेट क्लेम करता हूँ, फॉसेट क्लेम करने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो बताता हूँ। तो देखो जैसे मैंने तीनों फॉसेट यहाँ पे क्लेम कर दिया, इस पर क्लिक करूँगा, मेरा को फर्स्ट और सेकंड फॉसेट यहाँ पे रिसीव हो चुका है, थर्ड वाला भी मेरे को यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब जैसे फॉसेट क्लेम करना, फिर यहाँ पे स्टेक आइटम पे क्लिक करना, स्टेक आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ भी यहाँ पे अमाउंट डाल देना। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लो 40 अमाउंट डाल देता हूँ, 40 अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे अब आप लोग को एड्रेस कौन सा डालना है, एड्रेस डालने के लिए इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला एड्रेस दिखेगा ना, इस एड्रेस को करना कॉपी। कॉपी करने के बाद बस यही वाला एड्रेस आप लोग को यहाँ पर चिपका देना है, बस यहाँ पर यू विल बी गेट पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आप लोगों का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो उस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को वो जो बगल में ऑप्शन था उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इसे करा देना है अप्रूव। अप्रूव कराने के बाद वापस से आप लोगों को कर लेना है वही पेज ओपन। तो देखो जैसे आप लोग सब कुछ डाल दोगे, यू विल बी पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को आएगा ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन, करा देना अप्रूव। अप्रूव कराने के बाद उसी पेज को कर लेना ओपन। अब ये जो आप लोगों का ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर होगा कन्फर्म। अब जब तक कन्फर्म होता है मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। देखो मेरी ट्रांजेक्शन हो चुकी है कंफर्म, फिर आप लोग को डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप लोग को देखो यहाँ पे मिल जाएगा रिडीम का ऑप्शन, ठीक है। रिडीम आइटम पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो मेरे पास जैसे 38 पड़ा है, तो करीब मैं यहाँ पे 12 आइटम यहाँ पे रिडीम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो एड्रेस मांगा है आप लोगों से कॉस्मोस का, तो इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद कॉस्मोस का एड्रेस ये रहा सेकंड वाला, इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद वो वाला एड्रेस करना यहाँ पे पेस्ट, बस अनबाउंड पे क्लिक करना, फिर इस पर क्लिक करना अगेन से, अगेन से क्लिक करने के बाद फिर से आएगी आप लोगों की ट्रांजेक्शन, उसे करा देना अप्रूव। देखो जैसे मैंने अप्रूव करा दिया, वापस से उसी पेज पे आ गया, ट्रांजेक्शन हो रही है कंफर्म, अब करता हूँ वेट। तो देखो जैसे ट्रांजेक्शन हो गई कंफर्म, ये मेरे यहाँ पे 26 टोकन है, अब आप लोगों को कर लेना है बैक। तो देखो जैसे आप लोग वो भी कर दोगे, मतलब यहाँ पे अनस्टेक रिडीम कर दोगे, रिडीम ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा रिडीम करना। रिडीम करने के बाद देखो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो देखो जो हमने रिडीम किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब इतना काम का आप लोगों का जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों को सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो जो हमारा फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे अमाउंट शो कर दिया है। तो आप लोगों को ट्रेड करना है या ब्रिज करना है, क्या करना है, तो पहले हमें ट्रेड करना है, ट्रेड पे क्लिक करना। ट्रेड वाला देखो अभी यहाँ पे सून दिखा रहा है, ठीक है, तो ब्रिज पे क्लिक कर लेना। ब्रिज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप लोग को ब्रिज करना है, एक उससे दूसरे उसमें ब्रिज करना है। तो देखो ब्रिज करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये देखो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ब्रिज पे आ जाओगे। ऊपर मैं कॉस्मोस लेता हूँ, सेकंड में मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे स्टार फाइल लेता हूँ। तो अब इसे लेने के बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे एटम दूसरा वाले पे क्लिक कर लेना, आप लोगों का जो अमाउंट है वो शो कर जाएगा। अब मैं यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ, चलो मान लो मैं 10 अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ। 10 अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे बोलेगा आप लोगों को से एड्रेस डालने का। तो भाई जो यहाँ पे एड्रेस आप लोगों को डालना है उसके लिए इस पर क्लिक करना है, फिर से वही फर्स्ट वाला एड्रेस करना कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चिपका देना, बस स्वैप पे क्लिक कर देना। स्वैप पे क्लिक करोगे एक आएगी ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कराना कन्फर्म। देखो मेरी ट्रांजेक्शन ही कन्फर्म कराया, अब यहाँ पे इसे कन्फर्म हो जाए देना, तो मैं वेट कर लेता हूँ। अब आप लोगों को देखो जैसे ये कर लोगे ब्रिज करने के बाद, आप लोगों को फी सेलेक्शन पे क्लिक करना, सेलेक्ट टोकन पे क्लिक करना, एटम पे क्लिक करना, यहाँ पे नीचे IFS रहने देना, यहाँ पे अमाउंट डाल देना। मैं एक अमाउंट डाल देता हूँ, स्वैप पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो आप लोगों को यहाँ पे ये स्वैप नहीं होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट जो डालना है वो यहाँ पे एक नहीं 0.5 डालना है। 0.5 डालने के बाद स्वैप पे क्लिक करना, एक और ट्रांजेक्शन आएगी उसे करा लेना अप्रूव। अप्रूव कराने के बाद वापस से उसी पेज में आ जाना, तो मैं वेट करता हूँ। तो देखो जैसे मेरा फी वाला था यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के दिखा दिया, मेरा जो ट्रांजेक्शन था वो हो चुका है कन्फर्म। अब देखो जैसे मेरा जितने ट्रांजेक्शन थे मैंने यहाँ पे सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, सब कुछ आप लोगों को लाइव करके दिखाया। कोई भूल की मिस मत करना, सब लोग यहाँ पे अकाउंट बना लेना, आप लोगों को यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो जो हमारी थर्ड लूट थी उसमें इतना ही था, अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ लूट की तरफ। तो भाई देखो फोर्थ वाली लूट को लूटने के लिए आप लोगों को पहले ये दे दूँगा कस्टम RBC। सबसे पहले तो आप लोगों को कर लेना अपना KB ब्राउज़र ओपन, ठीक है। थ्री लाइन, तो देखो जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद थ्री लाइन पे क्लिक करना, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना। ऐड नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को दे दूंगा सारी कस्टम RBC आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसे कर देना है वहाँ पे पेस्ट। तो देखो जैसे मैंने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, डालने के बाद सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद अब ये एड्रेस को कर लूँगा कॉपी, अभी नहीं करूँगा। देखो जैसे अब मैंने कस्टम RBC ऐड कर ली, अब नेटवर्क ऐड करने के बाद जो टेस्ट नेट की लिंक दिया रहूँगा उस लिंक को करना कॉपी। कॉपी करने के बाद इस लिंक को कर लेना है यहाँ पे आप लोगों को ओपन। ओपन करने के बाद थ्री लाइन पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पे ले लेना, तो जो एयर ड्रॉप आ रहा है वो कायरन नेटवर्क की तरफ से यहाँ पे आ रहा है, तगड़ा प्रॉफिट।
यहाँ से हो सकता है, कोई मिस मत करना। आप लोगों को कैसे क्या करना है सब यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखो, जैसे आप लोग इतना काम कर लोगे, इतना काम करने के बाद यहाँ पे ये जो है कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना। कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आएगा एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट पे क्लिक करना, कनेक्ट पे क्लिक करना। अब वॉलेट कनेक्ट होने के बाद वापस से आप लोगों को कर लेना उसी पेज को ओपन। वॉलेट कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को करना है मिंट एनएफटी। मिंट एनएफटी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखो पहले ये बता रहा है यूनिट टेस्टनेट एवीएक्स। यहाँ पे टोकन को आप लोगों को पहले यहाँ पे जो टेस्टनेट है वो क्लेम करना है, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद थ्री लाइन पे क्लिक करके आना है मेटामक्स में। एड्रेस मिलेगा, इस एड्रेस को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर से आप लोगों को उसी पेज को करना ओपन। अब जैसे ओपन कर लोगे यहाँ पर कर देना है एड्रेस को पेस्ट। आई एम नॉट रेबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना, रिक्वेस्ट 10 टोकन पे यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को जो टोकन है वो यहाँ पे कर लेना है क्लेम। तो जैसे आप लोग क्लेम करोगे, क्लेम करने के बाद आप लोगों को 10 टोकन मिल जाएगा। मेरा मैंने पहले से क्लेम कर रखा था दूसरे वॉलेट में, तो मैंने 5 टोकन यहाँ पे मंगा लिया है। अब देखो क्लेम का जैसे आप लोग कर लोगे, क्लेम करने के बाद फिर से इस पर क्लिक करना। अब आप लोगों को देखो इस पर फिर यहाँ पे गेट कायरन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट 2000 पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, मेटामक्स में आ जाना, इसे अप्रूव नेटवर्क कर देना, स्विच नेटवर्क कर देना। फिर से आप लोगों को आ जाना है उसी पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आप लोगों की जा चुकी है, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखो जैसे मेरा क्लेम था, क्लेम यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब क्लेम होने के बाद आप लोगों को देखो क्या किया, यहाँ पे मिंट वो फॉसेट क्लेम किया AVX का, और कायरर का जो नेटवर्क का टोकन था वो भी यहाँ पे आप लोगों ने मतलब जो है क्या नाम है क्लेम कर लिया। अब क्लेम करने के बाद मिंट NFT पे क्लिक करना, मिंट पे क्लिक करना। मिंट पे क्लिक करने के बाद थ्री लाइन पे क्लिक करके फिर से आना है मेटामास्क में। फिर यहाँ पे स्विच नेटवर्क कर देना। स्विच नेटवर्क करने के बाद अब आप लोगों को जो NFT है, NFT भी यहाँ पे कर लेनी है मिंट। देखो मिंटिंग मेरी हो रही है, इस पर आ जाता हूँ। इस पर आने के बाद बस यहाँ पे कन्फर्म करता हूँ, और जो थोड़ी सी फीस कटेगी आप लोगों की बस यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ मैं। तो देखो जैसे मेरा मिंट है, मिंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। मैंने जो NFT मिंट थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली मिंट कर लिया हूँ। अब NFT मिंट करने के बाद आप लोगों को जो ऊपर ये वाला इंटरफेस दिख रहा है ना 4000 का, ये जो कायरन नेटवर्क का टोकन का, उस पर कर देना है क्लिक। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर मैंने यहाँ पे किया क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टेक कर देना है। तो मैं यहाँ पे जैसे 1000 अमाउंट डाल देता हूँ। 1000 डालने के बाद स्टेक पे क्लिक करूँगा, थ्री लाइन पे क्लिक करके आऊँगा मेटामास्क में। मेटामास्क में आने के बाद बस यहाँ पे स्विच नेटवर्क कर दूँगा, और अब इसे कर दूंगा यहाँ पे स्टेक। स्टेक पे क्लिक किया, थ्री लाइन पे क्लिक करके आया मेटामास्क में, और इसे भी कर देता हूँ यहाँ पे स्टेक। देखो जैसे कन्फर्मेशन आ गई, इसे मैंने कर दिया स्टेक। अब जैसे आप लोग स्टेक कर दोगे, स्टेक करने के बाद वापस से आप लोगों को उसी पेज को कर लेना है ओपन। अब मेरा जो स्टेकिंग है वो यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है। तो भाई देखो जैसे मेरा स्टेक कंप्लीट यहाँ पे दिखा चुका है। अब स्टेक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, स्टेक होने के बाद यहाँ पे जो न्यू टॉपिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक क्रिएट करना है। जितने ज़्यादा आप लोग यहाँ पे टॉपिक क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी डाल देना, कि जो भी आप लोग लिखना चाहते हो, जो भी टॉपिक क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल देना। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ ए वेरी गुड NFT प्रोजेक्ट, मैंने ये लिख दिया। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ। नीचे मैंने हैशटैग में यहाँ पे NFT डाल दिया। क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करूँगा। क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करने के बाद थ्री लाइन पे क्लिक करके आ जाऊँगा मेटामास्क में। अब मेटामास्क में आने के बाद तो देखो यहाँ पे कन्फर्मेशन आएगी, इसे करा लिया कन्फर्म। अब कन्फर्म कराने के बाद वापस से आप लोगों को आ जाना है उसी पेज पे। उसी पेज पे आ गया तो जो मेरा टॉपिक था, टॉपिक यहाँ पे हो चुका है। देखो क्रिएट, ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब देखो जैसे मेरा टॉपिक था, टॉपिक हो चुका है क्रिएट। अब आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी NFT या कुछ भी लिख देना है। बस यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक कर देना है। पब्लिक पे क्लिक करने के बाद जो आप लोगों को देखो पब्लिक पे मैंने क्लिक किया, एक और ट्रांजेक्शन आएगी, उस ट्रांजेक्शन को भी यहाँ पे कराता हूँ कन्फर्म। उसे भी मैंने करा लिया यहाँ पे कन्फर्म। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने के बाद देखो जो आप लोगों का यहाँ पे देखो मेरी ID यहाँ पे आ गई, प्लस मेरा जो एड्रेस था वॉलेट का, वॉलेट का एड्रेस भी यहाँ पे शो कर गया। अब इसे करने से आप लोगों का जो है कार्य टोकन का जो है अर्निंग होगी। जितनी ज़्यादा आप लोग यहाँ पे पोस्ट करोगे उतने ज़्यादा टोकन की अर्निंग होगी, उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो सब लोग फोर्थ लूट को भी मिस मत करना, तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। सब लोग सारी लूट को लूट लेना। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, जिससे देखो इस तरह की अच्छी अच्छी लूट के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप लोगों का तगड़ा प्रॉफिट हो। तो इसलिए कोई भी किसी भी लूट को मिस मत किया करो। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं पेंडिंग में। अब बिकॉज कल नहीं परसों मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो और देने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को जितने भी प्रोजेक्ट छूटे हुए हैं सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे रिकवर करवा के सब प्रोजेक्ट में यहाँ पे